किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। एवरीवन कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए, सब बहुत अच्छे हो गए। आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ बहुत मिनिमम चीज़ों के साथ कैसे आप मेकअप कर सकते हो। मैंने 4 प्रोडक्ट्स इसमें सिर्फ यूज़ किया है, 4 से ज़्यादा मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, और फुल्ली आप मेकअप कर सकते हो। पार्टी फंक्शंस या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या शॉपिंग पे आप जाते हो या छोटे मोटे फंक्शंस होते रहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले बेस आप लगा लीजिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लैक्मे 925 का सीसी क्रीम लगा रही हूँ। सीसी क्रीम, बीबी क्रीम या डीडी क्रीम कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो फाउंडेशन भी मतलब कि लाइट कवरेज का यूज़ कर सकते हो, पर मुझे ये सीसी क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है और हर कोई ये यूज़ किया होगा आई थिंक, और ये सबका शायद फेवरेट ही होगा क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से आपके स्किन को ब्लेंड कर देता है, स्किन पे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल भी पैची नहीं दिखती है। और इसमें बहुत सारे शेड्स भी आपको मिल जाते हैं। मेरा शेड ब्रॉन्ज है और ये SPF 30+ के साथ आपको मिल जाती है, जिसके साथ ही आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है, ब्राइटन अप भी करती है, कंसील भी करती है ना, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेशन अप रखता है। तो ये बहुत अच्छा सीसी क्रीम आ जाती है। बहुत सारे बीबी क्रीम भी आपको मिल जाएंगी, तो आप कोई भी एक अच्छी क्वालिटी की अपने पास हमेशा ही सीसी क्रीम या बीबी क्रीम या बहुत लाइट कवरेज एक फाउंडेशन आप रखिए। टीनेजर हैं या कोई भी एज ग्रुप के हैं तो वो आपको हर टाइम पे यूज़फुल होगा। तो ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से मैं अपने फुल फेस पे इसको अच्छी तरीके से लगा लूँगी। आप चाहो तो फिंगर टिप से भी इसको अच्छी तरीके से लगा सकते हो, जो भी आपको हेल्पफुल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से लगा लूँगी एंड ये बिल्कुल भी आपके जो भी थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स रहते हैं या कोई भी मार्क्स रहते तो उसको थोड़ा सा हाइड आउट करता है और आपकी स्किन का जो मतलब कि बेस है वो इक्वल कर देता है, अनइवन टोन नहीं लगता रहता जब आप कोई भी चीज़ लगाते हो, तो ये अच्छी तरीके से आपको ब्लेंड कर देता है। तो उसी के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे SQ की ले रही हूँ मिनी लिपस्टिक्स, और इसकी मैंने रिव्यू दे चुकी है, आप लोग चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो इसकी मैंने फुल रिव्यू दी हुई है अपने चैनल पे। तो ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक्स हैं और इसमें बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क शेड का, थोड़ा सा इसमें शिमरी शेड है तो वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इसमें कोई भी नंबरिंग नहीं दी गई है तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने आई शेडो के लिए भी मैंने यूज़ कर लिया इसको, एंड एज ए ब्लश भी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। और लिपस्टिक 3-in-1 या 4-in-1 बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपको, आई शेडो में भी हेल्प कर देती है, आपके ब्लश में भी हेल्प कर सकता है। अगर आपका डार्क शेड है ब्राउन कलर में तो उसको कंसीलिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो लिपस्टिक अगर आपका क्रीमी है तो वो बहुत सारे चीज़ों में आपको हेल्प कर देगा, अगर आप मेकअप कर रहे हो या बिगनर हो या कहीं पर आप ऐसी जगह पर हो जब आपको मेकअप करना है तो बहुत सारे हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से लगा लूँगी, जितना आपको चाहिए आपका पिगमेंटेशन आपको चाहिए होगा उतना आप लगा सकते हो। तो ये सिंपली जब मैं अभी छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो उसके लिए मैं तैयार हो रही थी, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अगर आप कॉलेज जाते हो डेली बेसिस पे तो इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो।
आई शेडो एंड ब्लश के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने आईज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेबलिन का न्यूयॉर्क क्लोसल काजल। ये बहुत ज़्यादा अच्छा काजल है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास ये दो तीन है तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ और मैं डेली बेसिस पे लगाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी आईज़ में इरिटेशन नहीं होती है, बिल्कुल भी स्मज नहीं करता, क्योंकि मैं सुबह में जाती हूँ 8 बजे तो मैं 5 बजे तक आती हूँ, तो उस टाइम तक ये बिल्कुल भी स्मज नहीं करता। बहुत अच्छा काजल है, आप लोग अगर डेली बेसिस पे लगाना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे मैं अपने काजल के लिए भी लगा लूँगी, उसके बाद मैं इसको आईलाइनर के फॉर्म में भी इसको यूज़ कर लूँगी। ये सिंपली आपके आईज़ को थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लुक दे देता है, अगर आप अपर आईज़ पे भी लगा लेते हो तो, अपर आई लैशेस पे भी लगा लेते हो तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा बोल्ड दिखता रहता है आपका आईज़। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बिल्कुल भी स्मज नहीं होती, इस वजह से आप लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो स्मज कर भी सकते हो थोड़ा सा स्मोकी फॉर्म देने के लिए, पर मुझे उतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल मेकअप करना है तो उसके लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं लगा लूँगी दोनों आईज़ पे। और इसके बाद अपने फेस को सेट करने के लिए, ताकि आपका स्किन थोड़ा सा मतलब कि पैची ना दिखे जो भी आपने लगाई है, तो उसको सेट करने के लिए आप कॉम्पैक्ट या पाउडर, मैं जनरली डेली बेसिस पे तो मैं लगाती हूँ जॉनसन्स बेबी का पाउडर, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो उसके लिए आप ले सकते हो यहाँ पे लैक्मे का रोज़ पाउडर, मैं यहाँ पे ले रही हूँ विद सनस्क्रीन। ये बहुत अच्छा लूज़ पाउडर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ, तो उससे आपका स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, रेडियंट दिखता है आपके स्किन पे। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का 222222 शेड है। ये बहुत अच्छा शेड है, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है, जो टीनेजर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिपस्टिक का ये शेड है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरा फेवरेट है। तो इसके बाद ये लगा लेने के बाद मेरा मेकअप जो भी है कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हो ये मैं बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, मतलब कि एकदम अच्छा दिख रहा है। जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की है, सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स यूज़ किया है, उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो आप लोग चाहो तो इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो, कुछ चीज़ों के साथ आप अपने स्किन पे अच्छी तरीके से मेकअप कर सकते हो। थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।